बच्चों का अंग बेहद ही नाजुक और कोमल होता है, जिसके कारण बच्चों का ध्यान बड़े लोगों से ज्यादा रखा जाता है। लेकिन सर्दियों के मौसम की दस्तक होते ही बच्चों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बच्चे बहुत ही जल्द सर्दी जुकाम और बुखार की चपेट में आ जाते हैं और उनका बुखार जल्द उतरता भी नहीं है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप किन टिप्स को आजमाकर अपने बच्चों को सर्दियों के मौसम में बीमारियों से दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं उन खास टिप्स के बारे में। सर्दियों के मौसम में बच्चों के कान, पैर और सिर अच्छे से ढके हुए होने चाहिए, जिससे उन्हें ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि उनके अंग नाजुक होने के कारण उन्हें ठंड भी बहुत जल्द लगती है। इसके अलावा छोटे बच्चों को सर्दियों के मौसम में 2-3 दिन के अंतराल में ही नहलाना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी की बजाय हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों को धूप में नहला सकते हैं, इससे उन्हें ठंड लगने के चांसेस बेहद ही कम होते हैं। छोटे बच्चों की हल्के हाथों से मालिश करें, जिससे उनके अंग मजबूत बने रहें। इसके अलावा अपने बच्चों को थोड़ी धूप अवश्य दिखाएं, जिससे उनको विटामिन डी की प्राप्ति हो सके और वो सेहतमंद बने रहें। तो वहीं आपको आगे बताते चलते हैं कि छोटे बच्चों को मौसमी फल और हरी साग सब्जियों का सेवन कराना चाहिए, जिससे उनको प्रोटीन की प्राप्ति हो सके, साथ ही वो सेहतमंद बने रहें। किरण हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।